तो नोट्स आपके पास होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको ये दूंगा इसका तो सबसे पहला जो हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोराइड फॉलर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए तो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोराइड यानी बहुत सारे रीजनज जो हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट लेकिन नीचे दिए गए हैं कुछ रीजंस उनमें से कोई एक है जो कि उसको जिसको हम नहीं समझ सकते जो जो उतना ये नहीं है फॉरेस्ट को डैमेज करने के लिए वो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है तो देखिए कितने स्टेटमेंट है इसमें ये देखें इसमें एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है तो उससे तो डैमेज होता ही है तो, वो तो रेस्पांसिबल फैक्टर है इसी तरह से लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली इससे डैमेज होता है ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन देखिए ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन किसी हद हाँ तक यानी अगर हम वुड कलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे वुड पड़ी होगी फ्यूल के लिए उसी को हम कलेक्ट करें इसी तरह ग्रेजिंग जानवर ग्रेज करते हैं ये खाते हैं घास लेकिन वो घास फिर हालांकि किसी हद हाँ तक सॉयल इरोजन में उसे Uh, वो कंट्रीब्यूट करता है लेकिन ये इतना वैलिड नहीं है तो ये हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो है थर्ड ऑप्शन सही है ग्रेजिंग एन वुड कलेक्शन इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर तो ठीक इसी तरह से दूसरा जो है इसका पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटीज स्ट्रेटजीज डो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखिए हमने कल पढ़ा लेसन में कि कई जगह कई जगह जो, जो इनको इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को बचाने में हमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है तो यहाँ एक चीज़ है जहाँ पे हम जिस एक पॉइंट है इन चार ऑप्शन में से जो कि जिसमें कि कम्युनिटी की, की इन्वॉलमेंट नहीं होती है देखिए क्या क्या है एक तो है जॉइंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसमें तो डेफिनेटली है जॉइंट जब हुआ तो कम्युनिटी और ये मिल के मैनेज करते हैं चिपको मोमेंट मोमेंट में तो बिल्कुल ये उसमें तो इन्वॉलमेंट ही है लोगों की बीज बचाओ आंदोलन ये तो कम्युनिटी इसमें इन्वाल्व है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखिए ये एक्सक्लूसिव है इसका डोमेन ये जो डोमेन है ये है गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट ही ही डिमार्क गवर्नमेंट ही डिमार्केट कर सकती है कि कहाँ कहाँ से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं तो ये जो ए, थर्ड पॉइंट है ये है एक जो क्योंकि जिसमें कि डायरेक्ट इन्वॉलमेंट पब्लिक की या कम्यूनिटी की नहीं है तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन सही है ये डी ऑप्शन सही है डी इसका आंसर अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है दैट्स मैच दे फॉलोइंग एनिमल्स विद दियर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस यानी मैंने आपको बता दिया है कि कुछ कैटेगरी कुछ स्पेशीज़ ख़त्म हुई हैं कुछ रेयर है कुछ एंडेंजर्ड है कुछ मतलब एंडेमिक है कुछ वालेबल मतलब, uh, है, है तो यहाँ दिया हुए हैं दिए हुए हैं कुछ जानवरों के नाम तो हमने इसमें दूसरे कॉलम में देखना है कि कौन सी जा, कौन सा जानवर किस कैटेगरी में आता है जैसे हमारा है ब्लैक बक है ब्लैक बक एक जानवर है तो ये एंडेंजर्ड हैं यानी ये किसी भी वक्त इनकी इतनी तादाद कम हो गई है कि किसी भी वक्त ये ख़त्म ही हो सकते हैं एक्सटिंक्शन इनकी हो सकते हैं तो एक्सटिकट कैटेगरी में आते हैं आ, आ सकते हैं लेकिन इस वक्त प्रजेंटली ये हैं ये इस वक्त एंडेंजर्ड है जिसको कहता है इसी तरह एलिफेंट है एलिफेंट जो है ये वल्नरेबल है यानी इसको भी ये बिल्कुल इनकी तैदाद घटती जा रही है और इन पर इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत असर होता है तो जल्दी अगर इनको बचाया ना जाए तो ये भी एंडेंजर्ड फिर ये एंडेंजर कैटेगरी में आएंगे तो इसके लिए है एशियटिक एलिफेंट के लिए है एंडेंजर्ड सही ए है सही इसके लिए एंडेंजर्ड है ब्लैक बग के लिए तो एशिएटिक एलिफेंट के लिए है वॉलिवल इसी तरह एंडाम वाइल्ड पिग जैसा कि मैंने आपको बताया बताया कल एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो कि किसी खास इलाके से के होती हैं वहीं तो एंड वाइल्ड पिग नेचुरली अंडमान की वहीं की लोकल स्पीशीज होगी तो इसको हम एंडेमिक इसका सही जवाब है एंडेमिक इसी तरह से हिमालयन ब्राउन बियर हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये बहुत नायाब हो गया है यानी ये रेयर हो गया है इसी तरह पिंक हेड डक हेड डग एक जानवर था जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है जो कि अब दिखाई नहीं देता है तो इसके लिए है एक्सटिंक्ट सही ऑप्शन अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है मैच करना है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉर मैंने हम आफ, आ, मैंने आपको कल वो कैटेगरीज बता दिए हैं कि रिज़र्व फॉरेस्ट क्या होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं क्लासीफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूबल एज फॉर एज द कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी वो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि बहुत वैलेबल होते हैं एज फार एज़ वहाँ की जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ होती है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पर ज़्यादा होती हैं तो उनको हम करेंगे कहेंगे रिजर्व फॉरेस्ट इसी तरह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्राम एनी फर्दर डिप्लीशन जो डिप्लीट हुई हैं बहुत हद तक लेकिन अब मेजर्स उठाए गए हैं तो उनको अब प्रोटेक्टेड uh, फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाया गया है यानी uh, मजीद डिप्लीशन होने से बचाने के लिए उनको अब किया जा रहा है और एक तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ अन फॉरेस्ट अदर इन दो uh, कैटेगरीज़ को, को के बाहर जो आती हैं जी जो कि दोनों की uh, से बिलोंग करती हैं गवर्नमेंट के से भी और प्राइवेट यानी कम्युनिटी से तो उसको हम अन फॉर अन फॉरेस्ट्स कहते हैं तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया अब एक और क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर जो जो वाट इज़ बायोडाइवर्सिटी वाट इज़ बायोडावर्सिटी वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ देखिए अगर आप देखेंगे इसके पहले ही क्वेश्चन इसमें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स वाइड रेंज ऑफ जो कि इंटर डिपेंडेंट हैं जिनके बगैर मतलब uh, जैसे हम कहते हैं कि बायो मैंने कहा आपको बायो आता है लिविंग थिंग्स के, के लिए बायो टर्म यूज़ हो रहे लिविंग तो ए, दुनिया में देखिए मैंने कहा आपको हज़ारों लाखों की तदाद में जो है स्पेशीज़ हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी में आती हैं फोना एंड फ्लोरा वगैरह तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि बायोडाइवर्सटी बायोडाइवर्सटी क्या है बायोडाइवर्सटी है कि दुनिया में जितने भी ये हैं यहाँ लिखा हुआ है देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इमेनसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टीवेटेड स्पेशीज़ डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटेग्रेटेड इन सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंस यानी इंटर डिपेंडेंस एक स्पेशीज का दूसरे स्पेशीज पर इंसान का जानवर पर जानवरों का इंसान पर पेड़ों का इंसान से ताल्लुक है या जानवरों से ताल्लुक है जानवरों का यानी एक दूसरे के साथ ही इंटरडिपेंडेंट है तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो इम्पोर्टेंट क्यों है जरूरी है बायोलॉजिकल देखिए यहाँ पे लिखा है इसका आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो ये देखिए इंटीग्रेट रिसोर्स वाइल्ड लाइफ दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना और सो वेल इंटीग्रेटेड वी टेक दिस फॉर ग्रेड यहाँ पे इसका जवाब होगा कि ये हम क्योंकि इंटरडिपेंडेंस जो है इसके लिए ज़रूरी है हर चीज़ का होना जरूरी ये जो लार्ज वेब ऑफ डीज थिंग्स है ये ज़रूरी है तो क्योंकि आ, इसी से इसका जो धरती का या ज़मीन का जो बैलेंस है वो रहता है और सस्टेन करता है ये लाइफ को तो इसके लिए ये बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोराइड फार कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसने फ्लोरा एंड फोना जो है किसी आ, आ, एरिया का उसको कैसे इफेक्ट किया है तो हमने देखा कि हम जो है ओवर डिपेंडेंस हमारी है इन वाइल्ड इस रिसोर्स इस पे हम आ, मतलब पेड़ काटते हैं बेतहाशा डिफॉरस्टेशन हम कहते हैं तो वो भी एक फैक्टर है इसी तरह से आ, जो हम हंटिंग करते हैं पोचिंग करते हैं ट्रेड करते हैं इसका या एग्रीकल्चर के लिए क्लियर uh, करते हैं लैंड्स तो इसी तरह से बहुत सारी uh, सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है जिससे कि डिप्लीशन ऑफ फ्लोर या इंडस्ट्रियलाइजेशन है डेवलपमेंट है रोड्स के लिए ज़मीन क्लियर करते हैं फैक्ट्रीज़ बनाते हैं जंगलों में इसके लिए बेतहाशा पेड काटते हैं इस तरह से मतलब हम नुकसान पहुँचाते हैं इसी तरह से ये क्वेश्चन हैं डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कन्ज़र्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया ये पढ़ेंगे यहाँ क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं है यहाँ दिया हुआ है कि कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो उस तरह से पेड़ बच जाते हैं कुछ आंदोलन कुछ चले जैसे चिपको मूवमेंट है बीज बचाओ आंदोलन है इसी तरह से मतलब बहुत सारी यह कैंपेंस चलाई गई हैं कम्युनिटीज की तरफ से जंगलों और रिसोर्स को बचाने के लिए ये आप जब पढ़ेंगे तो आपका इसका आंसर आ, बिल्कुल अच्छा अच्छी तरह से आ जाएगा अच्छ इसी तरह से राइट एंड नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड लाइफ किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इसके बारे में भी दिया हुआ है तो अगर आप पढ़ेंगे तो इन आपको इसका जवाब मिल जाएगा अच्छी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कंजर्वेशन ये देखिए कन्जर्वेशन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह से उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें बाकी लोगों की मुदाखलत है लोगों का योगदान है कंट्रीब्यूशन है किस तरह से हम बचा सकते हैं नेचुरल uh, रिसोर्स को ख़ास करके uh, इसको वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर चे, जो है ये लेसन जो है ये ख़त्म होगी एक्सरसाइज के साथ तो थैंक यू वेरी मच